हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आज आपको कुछ फ्राइज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि 1 मंथ ओल्ड के हैं। और ये फ्राइज़ मेरे फ्रेंड ने भेजे थे, उसके पास प्लैटिनम डब्बोस के फ्राइज़ थे, लेकिन उसने मुझे भेज दिए। एक 12 फ्राइज़ भेजे, और वैसे ही एक डम्बो मोज़ाइक गप्पी भेजा था उसने, मेल गप्पी। और मेरा डैफने कल्चर भी हो रहा है, मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए देख लेते हैं आप एक बार। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें फ्राइज़ में कुछ बड़े फ्राइज़ हैं जो कि रेड टेल्स के हैं, वो प्लैटिनम डब्बोस के बेबीज़ हैं, फ्राइज़ है एक 1 मंथ ओल्ड के। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको निकाल कर क्लियर बता दूंगा। और वैसे ये मिक्सड अप गप्पीस हैं, तो मैं सारे गप्पीस तो निकाल कर इसमें डाल दिया हूँ अलग टब में। और थोड़े छोटे फ्राइज़ हैं जो कि उन प्लैटिनम डब्बोस के टब में हैं, तो वो जैसे बड़े होंगे मैं भी उन्हें निकाल कर ये टब में डाल दूंगा, इन मिक्सड अप गप्पीज के टब में। तो चलिए अब मैं आपको डाफनिया कल्चर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस बकेट में डाफनिया कल्चर कल्चर हो रहा है, और इसमें मस्कीटो लार्वास भी आप देख सकते हैं। इसमें डाफनिया मैं करीब से एक 1 मंथ से कर रहा हूँ मैं डाफनिया कल्चर, और मेरे पास सक्सेसफुल से हो रहा है। और मैं आपको ये कल्चर कैसे करना है मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, इस बकेट में तो सिर्फ डैफनिया है, और एक डब्बा है जिसमें मोइना और डैफनिया दो मिक्सड अप है। मैं आपको वो डब्बा दिखा देता हूँ। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें तो पूरे मस्कीटो लार्वा से ज़्यादा, और इसमें मोइना डैफनिया का दो भी मिक्सड अप है इसमें, इस डब्बे में। तो इन दोनों में तो कुछ डिफरेंस तो नहीं दिखेगा आपने को, क्योंकि क्योंकि मैं परसों में इसमें मोइना मोइना डाला था इसमें, वो भी शायद ज़िंदा होगा मेरे ख्याल से। तो चलिए मैं आपको एक डब्बा दिखा लेता हूँ जिसमें मैं डैफनिया कल्चर स्टार्ट किया था पहले पहले। तो उस डब्बे में मैं कवर डालकर डैफनिया स्टार्ट किया था कल्चर करना, और मेरे पास कल्चर भी हो रहा था, लेकिन सडनली उस कवर को होल गिरने की वजह से पानी पूरा चले गया, और मैं डैफनिया बकेट में डाल दिया हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मिक्सड अप गप्पीज़ का टब है, और मैं आपको कुछ पकड़ कर दिखाऊँगा मिक्सड अप गप्पीज़। बड़ी जाली है इसमें, इससे सब मच्छियाँ आ जाते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास जो जो भी फ्राइज थे वो सारे बड़े हो गए हैं, और उन्हें कलर भी आ गया है। आपको दिख रहे होंगे बड़े बड़े फीमेल्स। और ये सारे गप्पी सेल के लिए लगाया हूँ मैं, अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप मुझे DM कर सकते हैं, और कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्ट, मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए इन्हें वापस डाल लेते हैं अब, और इस जाली को साइड में लगा लेते हैं। तो चलिए अब इन मिक्सड अप गप्पीज को कुछ वॉर्म्स खिला लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है ट्यूबफ्लिक्स वॉर्म्स, मैं अब इन्हें फीड करने वाला हूँ गप्पीज को। मैं सिर्फ ये वॉर्म्स मिक्सड अप गप्पीज को फीड कर रहा हूँ, और जो भी फ्राइज है उन्हें सिर्फ मैं मोइना और डैफना फीड कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ट्यूबफ्लिक्स वॉर्म्स हैं। तो चलिए अब इन्हें कलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए, मैं अब इससे कलेक्ट करूँगा, कलेक्ट कर कर थोड़े खिलाऊँगा हाथ से, और उसके बाद बॉटल में डाल कर खिला लेंगे। तो अब आप देखो ये कितनी अच्छी तरह से खाते हैं, ये लाइव फूड से बहुत फास्ट ग्रोथ होते हैं गप्पीज, और ट्यूबफ्लिक्स फॉर्म्स तो मेन है इन गप्पीज़ के लिए फास्ट ग्रोथ में। तो आप देख सकते हैं थोड़ी देर में ही खा ली है, अब इन्हें कुछ ज़्यादा वॉर्म्स खिलाते हैं। तो वैसे भी मैं इन गप्पीज़ को हाथ से फीड नहीं करता हूँ, मैं इन्हें सारे वॉर्म्स को एक बॉटल में डालकर फीड करता हूँ इन गप्पीज़ को। मैं इन्हें हाथ से इसलिए फीड कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर से दिखे गप्पीज़ कैसे खा रहे हैं। अगर मैं बॉटल में डालकर खिलाऊंगा तो उस वाटर के प्रेशर को, आपको पानी का डिस्टरबेंस से आपको कुछ नहीं दिखेगा गप्पीज़ खाए सर का। तो इसलिए मैं इन्हें हाथ से फीड कर रहा हूँ आपको दिखने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन ये गप्पीज़ कैसे खा रहे हैं। तो नहीं, मैं और एक बार फीड करूँगा, लेकिन मैं इस बार इन्हें बॉटल में डालकर फीड करूँगा। अब आप क्लियरली देख लिए होंगे ये कैसे खा रहे हैं गप्पीस वाम्स को। ये मिक्सड अप गप्पीस तो खाते ही रहते हैं, आप कुछ भी डालिए इन्हें, पेलेट्स फूड्स या ड्राई वाम्स लाइव फूड्स जो भी डालिए खा लेंगे, लेकिन
लाइव फूड से इनकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, इसलिए मैं इन्हें लाइव फूड रिकमेंडेड करता हूँ। तो थोड़े कुछ वॉर्म्स मैं बॉटल से ही फीड कर लेता हूँ इन्हें। अगर हम बॉटल से डालें तो सारे गप्पीज खा सकते हैं, अगर हम हाथ से फीड करेंगे तो थोड़े ही गप्पी खाएंगे और थोड़े गप्पीज तो भूखे ही रह जाएंगे, इसलिए मैं इन्हें बॉटल से फीड करता हूँ ताकि जो जो भी गप्पीज नहीं खाए वो सारे खा सकें। और एक डब्बे में डाल लेते हैं, इस डब्बे में डब्बा मोज़ेक गप्पी है, मेल गप्पी, और दो फीमेल से मिक्सड अप गप्पीज के स्ट्रेन्स के, वो देख सकते हैं वो भी खा लिए हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एक गप्पी वो मेरे दोस्त ने भेजा है, लेकिन वो मेरे पास डायरेक्ट लेकर आया था, और उसने बोला कि मुझे मेरे गप्पीज का सेटअप का वीडियो निकालना है और वीडियो निकाल कर यूट्यूब में डालने का है। तो इसलिए वो आते 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 ही ये फ्राइज लेकर आ लिया है और एक डमो बजा एक मेल लेकर आ लिया है। और वो फ्राइज लेकर आया था वो छोटे छोटे थे फ्राइज, मैं आपको बताऊंगा। और वो भी एक यूट्यूबर ही हैं, यूट्यूबर और ब्रीडर हैं। तो देखिए ये है फ्राइज, ये 1 मंथ बैक का वीडियो है ये, जब वो फ्राइज लेकर आ रहा था। तो देख सकते हैं प्लैटिनम नंबर्स के बेबीज हैं, वो छोटे छोटे थे ये, लेकिन मैं आपको कंपैरिजन में बताऊंगा। ये कितनी छोटे हैं और इनके आप देख सकते हैं कितने छोटे हैं, और इनके 1 मंथ के बाद का वीडियो आप मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फ्राइज तो अब 1 महीने के हो चुके हैं, और डम्बो मोज़ेक मेल भी बहुत अच्छी है, उसके डम्बोस भी बहुत बड़े हैं, आप देख सकते हैं। मैं ये फ्राइज़ के साथ तो नहीं आया था, लेकिन उसके दूसरे दिन में मुझे भेज दिया था उन्हें पार्सल में, तो मैं इसलिए फ्राइज़ के साथ आपको नहीं बताया। तो चलिए अब इनका कलर दिखा लेता हूँ मैं आपको, एक ग्लास में डाल लेकर, मेरे पास तो एक्वेरियम नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें प्लैटिनम डम्बोस के फ्राइज 3 हैं और डम्बो मोज़ेक भी डाल लिया हूँ मैं इसमें। तो इसमें फ्राइज़ में आप देख सकते हैं 2 मेल्स और 1 फीमेल है, फीमेल का कलर जो है फीका कलर है और डार्क कलर नहीं आया उसे, और 2 मेल्स को तो ऑलरेडी कलर आ चुका है टेल्स को, और प्लैटिनम कलर एक आने वाला है, और इनका डोर्सल्स को भी कलर आ गया है आप देख सकते हैं, और इनका बहुत ब्राइट रेड कलर आ रहा है, इनके आगे चलकर और डार्क होगा इनका कलर। इसमें आसानी से जेंडर भी मालूम कर ले सकते हैं अपन, आसानी से मालूम हो रहा है इसमें जेंडर। और मेरा दोस्त अब आएगा 2 मंथ्स के बाद, और एक 1 मंथ के बाद आएगा, और इस पर एक वीडियो निकालेंगे, क्या वो बताना चाहता है कि इनका रिजल्ट्स कैसा आया मेरे पास, कलर अच्छा आ रहा है या नहीं। तो अब वो आकर देख सकता है, 1 मंथ तो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ डाफने मेरे फ्राइज़ को फीड करते हैं, तो चलिए थोड़े कलेक्ट कर लेते हैं। इसमें तो अभी तो थोड़े ही है, लगता है थोड़े मर गए हैं, मोइना मर गया है, डाफना तो ज़िंदा ही है। तो चलिए अब फ्राइज को फीड करते हैं। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से खा रहे हैं डाफनिया को, और इसमें थोड़े फ्राइज हैं जो कि मिक्सड अप स्ट्रेन्स हैं, मिक्सड अप गप्पीज के फ्राइज हैं, और वो जैसे बड़े हो जाएंगे मैं उन्हें उनके पेरेंट्स के टब में छोड़ दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये है मिक्सड अप गप्पीज का कलर, आपको अगर अच्छे लगे तो आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं आपको पार्सल कर दूंगा, इंटरेस्टेड है तो पिंग कर सकते हैं मुझे।